अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बहुत खैरियत से होंगे। आप कह रहे होंगे कि मैरी किधर चली गई है। मैरी जो है ना आजकल टिकटॉकर बनी हुई है और मैं आपको इसका लिंक भी डाल दूँगी। टिकटॉक भी करती रहती हूँ, कभी मैं इंस्टा पे चली जाती हूँ, कभी मैं रील्स बनाने लगती हूँ। तो वो मैं आजकल मैं बस यही उल्टे सीधे काम कर रही हूँ। तो बस ऐवी भूत चढ़ जाता है किसी भी चीज़ का, और वो एक्सट्रीम पकड़ लेता है। भूत जो होता है ना, जब वो इतना एक्सट्रीम पकड़ लेता है तो फिर मैं वो उस हद तक कर लेती हूँ जब तक मेरा दिल ना उसे भूझल ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए। और मेरी उर्दू इसलिए साफ है क्योंकि वैसे तो हम पठान हैं, लेकिन मसला ये कि हमारी जो एजुकेशन है वो कराची से हुई हुई है, तो मेरी उर्दू बहुत साफ़ है। लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि आपकी उर्दू बहुत फ़ाइन हो रही है, बहुत मतलब आप कहाँ से हैं। तो मैं कराची से हूँ भाई, और बाय बर्थ कराची से हूँ। और बाकी मैं आफ्टर जो है फिर मैं जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हुई तो मैं फिर यहाँ पे हम लोग शिफ्ट ही हो गए हैं। तकरीबन हमें यहाँ पे रहते हुए 18 साल हो गए इस्लामाबाद में। और बेटी बच्चों के पैदा होने के बाद तो मैं पक्की इस्लामाबादी बन गई हूँ। मेरा कराची जाने का बिल्कुल दिल नहीं होता, बल्कि हूँ मैं कराची वाली। लेकिन वो लहजा जो है ना, वो जो आपका जो एक ख़ास स्टाइल है आपका, वो जो है बता देता है आपको कि आप जो है बिलोंग करते हैं कराची से। और एजुकेशन भी क्योंकि मेरी वहीं की है। और मेरे बालों को नहीं देखिएगा, नहाने के बाद ये बालों का हशर इतनी बुरा हो जाता है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि या मेरी आप जो हैं ये कहाँ से लिया है। मैंने बिन कासिम से लिया है और ये इंस्टाग्राम के अंदर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मैंने उसकी जो था वो लिंक जो था वो सेंड भी कर दिया था उस पोस्ट के अंदर, अगर आप देखें तो। और एक और चीज़ आप लोगों ने मुझसे पूछी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ड्राइंग रूम में से खड़ी हूँ। ये चीज़ आपने मुझसे पूछी कि मेरी ये कहाँ से लिया, तो मेरे हस्बैंड जहाँ काम करते हैं, आप लोगों को इस चीज़ से देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे हस्बैंड जो थे वो जब इधर ट्रांसफ़र आई है तो हम लोग ज़ाहिर बात है हमारी जो अपनी कम्यूनिटी होती है तो उस कम्यूनिटी में हमारी शॉप्स बनी भी होती हैं। हम उस शॉप से ये चीज़ें जो हैं वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं। पीछे एक रखा हुआ है लैम्प, और वो भी मुझसे पूछे क्योंकि DMs इतने आ जाते हैं ना, तो उनके फिर आपको जवाब देने पड़ जाते हैं। तो ये मैंने जो था ये अब मेरे पास बहुत बेहतर वाला है, बहुत बेहतर वाला। मैं चाइना मार्केट में इतना गंदा कोई मटेरियल आ गया है, बिल्कुल भी मज़ेदार जो है आप लोगों को नहीं लगेगा जो ये मेरे पास लैम्प पीछे रखा हुआ है। और बहुत 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 खूबसूरत है ये। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसकी भी आपको आज ड्राइंग रूम की पूरी फुल पिक्स दे दूँगी। मैंने सेटिंग की है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने ली हैं इस दफ़ा ना। मैंने मेकओवर किया है, ओल्ड हाउस का मेकओवर किया है, तो इस वजह से। तो आइए चले ब्लॉग स्टार्ट भी करते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था, मैंने अपने बच्चों के कमरे में जो है बेडरूम सेट चेंज किया था, तो उस सेट में कुछ ख़राबी निकल आई थी। तो मैंने उनको वापस दे के ना, मैंने उनको कहा कि आप ये जो है हमें इसको चेंज करें। तो फिर हमने उनको चेंज करा के दोबारा नया सेट लिया है, और वो भी आप आगे देखेंगे कि वो सेट कैसा है, और बताइएगा कि वो कैसा लगा आप लोगों को। तो आप मुझे अच्छा लगे क्योंकि मेरी जो माइंड में है ना वो क्लासिक इतना नहीं रहता। मेरे माइंड में होता है कि क्लासिक भी हो, अच्छा भी हो, आज के हिसाब से भी हो जाए, थोड़ा मैं डिफरेंट भी कर लूँ। तो उस हिसाब से मैंने फिर अपने जो है बेटियों का जो है रूम जो है वो सेटिंग की है। तो आप लोग देखिएगा और फिर बताइएगा कि कैसा लगा। और कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करें। मैं वीडियो एंडिंग करने लगी, मैं वीडियो स्टार्ट करने लगी हूँ। तो आइए चलते हैं व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने डाइनिंग एरिया जो था ये लैंप तो मेरे पास बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन इस लैंप में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें इसकी बहुत बड़ी बेकार भी लगने लगा है मुझे। लैंप बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है, मुझे ये भी कहते हैं कि इस लैंप की जो डेकोरेशन है या जो भी हमें लगने में आपने जो रखा है स्टाइल दिया है फुल टाइम मैंने, और वो मेरा बेचारा प्लांट जो है वो इस वक्त बिल्कुल ही ज़ाया हो गया। अच्छा, ये जो मैंने मैट्स लिए हैं इसके साथ, क्योंकि मेरा ये ब्लैक था तो ये मैट्स मैंने लिए हैं, और ये भी मैंने चाइना मार्केट से लिए हैं और अच्छी रिजनेबल प्राइस में वहाँ से ये मुझे इजीली अवेलेबल हो गए। बाकी ये वही क्लॉक बहुत पुरानी चल रही है मेरे पास। और ये मेरी जो है स्टाइलो टेबल, उधर वो बास्केट को इग्नोर करिएगा क्योंकि हम लोग यहीं से आते जाते हैं। मेरे घर का दूसरा दरवाज़ा भी है लेकिन मैं यहीं से आती जाती हूँ अपने क्लोथ वगैरह को सेटअप करने के लिए। इसके बाद ये था सोफ़ा जो कि अब मेरी आँख से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मुझे पसंद नहीं आ रहा। और बाकी ये सेंटर में मैंने ये इसको उसको दोबारा किए, ये सिल्वर था तो इसको मैंने फिर इसके साथ जो है गोल्डन टच दे दिया। तो अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। बाकी ये जायनमाज़, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। अच्छी बड़ी मज़ेदार नरम नरम सी है,
जाए नमाज है। अच्छा ये है, ये सोफ़ा मुझे, हाँ ये था एक, तो ये मेरे पास डेकोरेशन में था क्योंकि मुझे आया कि डेकोरेशन आपने पीसेस रखे हुए हैं तो इनकी, अब देखिए मैंने बहुत पुराने पुराने रखे हैं मेरे पास ये, बहुत ही मतलब 12-12, 13-14 साल पुराने ये सारे चल रहे हैं मेरे पास, और ये बस मैंने अभी जो है नया किया था ये इसके साथ, और ये सेटिंग आगे पीछे रहती है, कभी कुछ डाल देती हूँ कभी कुछ डाल देती हूँ। अब मैं दोबारा जो है इसको सेल करने के चक्कर में वो मुझे जो है वो अब थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। इसकी मैं लुक्स आपको दिखाऊंगी, वैसे आपको बहुत अच्छा लगे। हाँ मैंने ये भी लिया है और ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त सी है। ये मुझे इस पे दिल था, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट किया है मेरी बर्थडे में, और मैं सरप्राइज थी, मैं समझी थी शायद मुझे नहीं दिलाएंगे, तो मैं बैठ के भी आपको दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी चीज़ लग रही है। इसकी मैं पिक्स भी डाल दूँगी, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये वैसे भी अगर चाइना मार्केट से लें तो ये 7,000-8,000 में इजीली परचेज़ हो जाता है, 9,000 तक, लेकिन जब आम मार्केट से लेते हैं तो यार इसकी कीमत जो है ना तकरीबन कोई 20,000 दे रहा है, कोई 25,000 दे रहा है, कोई 35,000 का कर रहा है। अजीब पागलों वाली हरकतें करते हैं यहाँ पे मार्केट में बैठ के ना, बस अपनी तरफ से कहते हैं डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया तो क्या मतलब है, मतलब जो जिस रेट पे लिया वो इनवाइस दिखा के आप हमें कुछ 1-2 हज़ार रुपये ऊपर ले लो, लेकिन नहीं भाई बहुत ही इधर ना लूट मार मची हुई है। चलें आज अब ये मेरा ये ब्लॉग अभी यहाँ से स्टार्ट है, अब मैं अपने बच्चियों का रूम आपको दिखाती हूँ, ठीक है।